जैन दोस्तों, एसएससी सीपीओ 2023 की नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन 22 जुलाई 2023 को आया है, तो इस दिन से एक महीने तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप एक महीने के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस बार जो चेंजेस हुए हैं, प्लस जो मेजर अपडेट है, जो बंदे 2019 से एसएससी सीपीओ सीआईएसएफ में जाना चाहते थे, उन बंदों के लिए मेजर अपडेट है। तो इस बार जो ज़्यादा पोस्ट आई हैं वो सीआईएसएफ में आई हैं। सीआरपीएफ में तो हमेशा आती हैं, लेकिन इस बार जो सेकंड मोस्ट जो जॉब आए हैं वो आए हैं सीआईएसएफ में। तो जो बंदे 2019 से अब तक वेट कर रहे थे, 2020 में भी नहीं आए थे, 2022 में भी नहीं आए, लेकिन इस बार सीआईएसएफ में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आए हैं। तो नोटिफिकेशन को हम देखते हैं कि इस बार क्या क्या चेंजेस आए हैं नोटिफिकेशन में, प्लस कितना कितना वैकेंसी आया है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताता चलाऊंगा, प्लस उसका रिगार्डिंग उसका जो पेज होगा नोटिफिकेशन का, वो वहाँ पे चलता रहेगा साइड बाय साइड। तो जो पहला पेज है हमारा नोटिफिकेशन में, उसमें दे रखा है कि जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, जो 22 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक चलेगा आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और लास्ट डेट 15 है। और करेक्शन वगैरह आप 16 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर बेस्ड टीयर वन जो हमारा एग्ज़ाम होगा, उसका टेंटेटिव डेट अक्टूबर 2023 में दे रखा है। जो नेक्स्ट है ईएपीएफ, दोनों मेल एंड फीमेल का जो ग्रेड पे स्केल होता है, लेवल 6 होता है, जिसका बेसिक सैलरी स्टार्ट होता है 35,400 से लेके 112,400 तक। तो जो टेंटेटिव वैकेंसी अभी के लिए जो नोटिफिकेशन में निकाला है, जो कि आगे जाके कुछ वैकेंसी अपडेट हो जाते हैं, जो बैकलॉग लगा होता है पिछले बार का, उसको ऐड करके थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं जब फाइनल स्टेज से पहले। बाकी अभी तक मैंने ज़्यादातर, अभी 2022 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें चेंजेस नहीं आए थे। नोटिफिकेशन में जितना वैकेंसी दिया था उतना ही वैकेंसी लास्ट तक रहा था। दिल्ली पुलिस एसआई के लिए जो वैकेंसी दिया गया है वो यूआर के लिए हैं, टोटल 48, जिसमें एक्स सर्विस मैन के लिए भी है और बाकी वैकेंसी भी हैं। ओबीसी का 27 है, एससी का 14, एसटी का 09 एंड ईडब्ल्यूएस की 11 वैकेंसी हैं। तो टोटल ऐसे करके 109 वैकेंसी दिल्ली पुलिस के लिए आई हैं, जिसमें एक्स सर्विस मैन की भी इंक्लूडेड हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनका जो टोटल वैकेंसी आया है वो 53 है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उसके लिए 24 वैकेंसी आया है। अब बात करते हैं हमारा जो मेन है, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, जिसमें आता है बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी। तो जो मेन मेजर वैकेंसी आए हैं इस बार वो फिर से सीआरपीएफ में आए हैं, जो कि टोटल है 818। जो सेकंड वैकेंसी आया है वो है सीआईएसएफ में, सीआईएसएफ में आया आपके 630 वैकेंसी आए हैं। और जो थर्ड वैकेंसी आए हैं वो बीएसएफ में आए हैं, 113 वैकेंसी। तो जो आप अगर हम बात करें बीएसएफ की बात करें, तो मेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 43 हैं, फीमेल के लिए 2 हैं, और ईडब्ल्यूएस जो टोटल होता है 113 सीट हैं बीएसएफ में, जिसमें से 10% वैकेंसी आपकी एक्स सर्विस मैन के लिए होती है। तो 113 में से 11 सीट जो होंगी वो एक्स सर्विस मैन के लिए होंगी। तो सीआईएसएफ में जो सीट्स आई हैं मेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 231 है, फीमेल के लिए 26, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 56, फीमेल के लिए 06। जो सीआरपीएफ में अनरिजर्व कैटेगरी से वैकेंसी आए हैं 319 है, फीमेल कैटेगरी के लिए 12 है, टोटल 818 है। आईटीबीपी मेल अनरिजर्व 21, फीमेल 4 वैकेंसी है। एसएसबी में मेल 38 है और फीमेल 0 वैकेंसी है। तो टोटल एसएसबी में 90 वैकेंसी हैं। तो जो टोटल वैकेंसी आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए 109 और दिल्ली पुलिस फीमेल 53 एंड सीएपीएफ के लिए 1714, टोटल वैकेंसी हो आपका 1800 समथिंग वैकेंसी आए हैं। तो हम एक्स सर्विस मैन के लिए जो कोटा है 50% दिया हुआ है, 50% कोटा जो एक्स सर्विस मैन के लिए लगता है, उसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है कि जो बंदे एनएसजी एसपीजी वगैरह में जॉब करके आ रखें तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाता है जो नॉर्मल जॉब करके आ रखें। दूसरा पॉइंट उसमें दे रखा है कि Q1 क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग इन द कमांडो कोर्स होना चाहिए, कमांडो कोर्स के होने चाहिए जिसमें Q1
कैटेगरी होता है, ग्रेडिंग मिलना चाहिए उनको, Q1 के थ्रू पास होने चाहिए, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा ऑफिसर्स होने चाहिए नेवी एयरफोर्स के, तो उनके स्पेशलाइज्ड और उनकी यूनिट कमांडो टाइप होनी चाहिए, तो उनको ये भी स्पेशल वो दिया गया है। बाकी आप इंडियन इंडियन सिटीजन होने चाहिए और नेपाल के या भूटान के होने चाहिए। एज लिमिट जो इस बार क्राइटेरिया दिया गया है जिससे आपकी एज लिमिट चेक की जाएगी वो है 1 अगस्त 2023। इससे आपकी जो क्रूशल डेट आपकी इस बार 15 अगस्त 2023 से काउंट किया गया है। इससे पहले आपकी डिग्री या इस डेट तक आपकी डिग्री ग्रेजुएशन की होगी तो मान्य करी जाएगी और आपकी और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी उसी क्रूशल डेट पर अप्लाई करेंगे। जो इस बार का जो मेजर एक जो सबसे बड़ा अपडेट आया है वो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो नेगेटिव मार्किंग होती थी क्वेश्चंस में पिछले जितने भी अटैम्प्ट थे वो 1/4 होती थी, इस बार नोटिफिकेशन में आया है कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। तो इस बार आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आंसर करते टाइम। अब ये नहीं है कि आप जो मन चाहे वो आप तुक्का मारो या वो करो, तो उससे क्या है कि आपका फेल होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे, प्लस मुझे लगता है कि इस बार जो कट ऑफ वगैरह भी होगा वो नीचे रहेगा। तो टोटल वैकेंसी भी 1800 है, 2022 में 4100 समथिंग वैकेंसी आए थे और 2020 वाले बैच में जो मेरा था उसमें 1700 समथिंग वैकेंसी थे, और उससे पहले 2019 में भी, तो 2019 में भी मेजर जो वैकेंसी थे वो CRPF और CISF में थे। तो 2019 के बाद 2023 में CISF का सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया। जो बंदे CISF में जाना चाहते थे SSC CPO के थ्रू, तो वो इस बार अपनी तैयारी शुरू कर दें और आप CISF में जाने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर कोई अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट 20 से 25 साल है, तो जो डेट आपकी कैलकुलेट होगी वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेके 1 अगस्त 2023 तक कैलकुलेट होगी। तो आप इसके बीच में 20-25 हैं तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। और आपके लिए रिलैक्सेशन भी दिया गया है, SC ST के लिए 5 साल के लिए रिलैक्सेशन होता है, OBC के लिए 3 साल के लिए रिलैक्सेशन होता है, एक्सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट, 3 साल का उनके लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया होता है। एक पॉइंट ये होता है कि जब आप सब इंस्पेक्टरेंट्स दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरते हैं तो एक पॉइंट आता है कि उसमें आपके पास LMV होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि आपको फिजिकल देने जाते हैं उस टाइम पे आपको एज अ प्रूफ दिखाना पड़ता है। अगर आपके पास वो नहीं होता है तो आपको CAPF में जो अदर पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल माना जाएगा, आप दिल्ली पुलिस से कैंसिल हो जाएगा, आपका दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई नहीं हो पाएगा आपका। तो दूसरा पॉइंट एक और है, फॉर्म भरते टाइम एक पॉइंट आता है कि NCT ऑफ दिल्ली आप हो तो OBC और EWS का जो कॉलम आता है कि आप OBC लिस्ट में हो दिल्ली की उसमें, तो उसका ये है कि आपको ना अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ही आप उस पॉइंट पे यस मारना उसकी लिस्ट को देख के, अगर आप अदर स्टेट के हो तो मत मार देना, वो गलत हो जाएगा बाद में, उसका वैसे कोई दिक्कत नहीं होता। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस चीज़ को ठीक कर देते हैं वो, तो आप दिल्ली में हो और उसकी लिस्ट में जो भी हो तो ही आप टिक मारना उस पर। अगर आप अदर स्टेट से हो, जैसे कि कोई कास्ट है वो अदर स्टेट में जर्नल है लेकिन दिल्ली की लिस्ट में वो OBC में आती है, तो आप उसको यस नहीं मारना, आप अगर दिल्ली में ही रहते हो तो ही यस मारना। एक और तीसरा पॉइंट है कि आप NCC सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जब आप फॉर्म भरते हो तो NCC अगर आपके पास ABC है तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, जैसे कि अगर आपके पास NCCA सर्टिफिकेट है तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, NCCB सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलते हैं, और NCCC सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिलते हैं। तो ये ऐसा होता है कि Tier 1 में भी आपको मिलते हैं, Tier 2 में भी मिलते हैं। जो 2020 में जो एग्ज़ाम मैंने दिया था उसमें आपको Tier 1 और Tier 2 दोनों में मिले थे बोनस मार्क्स, मेरे पास NCCA सर्टिफिकेट था। बाकी अगर आपका इस टर्म में भी आपको यही दे रखा है कि ईच पेपर ही दिया है नोटिफिकेशन में ईच पेपर, तो आपको ईच पेपर में 4-4 नंबर ए सर्टिफिकेट के, मतलब 8 नंबर, और बी के 12 मार्क्स और सी के 20 मार्क्स बोनस दिया जाएगा, जिससे कि आप बहुत आगे चले जाएंगे कंपटीशन में अगर आपने NCC का पहले अप्लाई कर रखा है। तो आपको ये सब चीज़ें अवेल करनी चाहिए। जो 2-3 पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए, एक तो वो NCT ऑफ दिल्ली वाला प्लस NCC सर्टिफिकेट प्लस LMV व्हीकल फॉर अप्लाइंग फॉर दिल्ली पुलिस।
बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो बंदे CISF में जाना चाहते हैं और वो बंदा अपना तैयारी शुरू कर दें। बाकी वैकेंसी पिछली बार से तो कम है, लेकिन फिर भी 2019 के सम बराबर है और 2020 बेस्ट था उससे थोड़ी ऊपर है। तो अभी 2020 वाला भी रिज़ल्ट अवेटिंग है, तो रिज़ल्ट में भी शायद अगस्त में आ सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो प्रेडिक्शन है अभी उसके हिसाब से। बाकी उसके रिगार्डिंग मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें कट ऑफ वगैरह प्लस डेट ऑफ रिज़ल्ट आएगा, तो उसको भी मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है उसकी वजह से। तो जैन दोस्तों, होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैन।